सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, घर के अंदर होगे, ठीक ठाक होगे, मस्त होगे। तो गाइस, आज है संडे और आज के दिन की शुरुआत यहाँ होती है कॉलेज। आज छुट्टी है अपनी। अरे देखो, सो रखी है, इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई। और मैडम का है बर्थडे कल, 9 अक्टूबर को इसका बर्थडे है। तो आज का दिन देखो कैसे क्या जाता है, जो भी है आपको दिखा देते हैं। मुझे भी कोल्ड हो गया। हाँ भाई, क्या हाल है मैडम के? हेलो कर दो गाइस। एक्साइटेड हो कल के बर्थडे के लिए अपने? अभी नहा धोके रेडी हो गए हम दोनों तो। और हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया जिसका नाम है मैंक शौकीन। तो इसका भाई और मैंक, क्या हाल है? ठीक हूँ, मैं बताऊँ। बढ़िया है जिंदगी में? सही चल रही जिंदगी? बड़े ये इसके बर्थडे के लिए आया, कल इसका बर्थडे है। इसको मैंने एक दिन पहले बुला लिया क्योंकि ये किशनगढ़ से आता कल एट ए टाइम, तो पता नहीं कब ही पहुंच पाता, इसलिए। तो भी बताओ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? बात ही काट देते हो। अभी हम जा रहे हैं गाइस डोसा खाने। हाँ जी। और डोसा खाने से जा रहे क्योंकि हम हमारे घर में पापा मम्मी का कुछ भी होता है तो हम डोसा खाने ही जाते हैं क्योंकि उनको भी डोसा अच्छा लगता है, हमें भी डोसा अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चों वाली पार्टी होगी वो कल होगी, आज तो गाइस 8 अक्टूबर है। और मेन चीज बर्थडे का कल है, मम्मी का कल फास्ट है, तो मम्मी फास्ट छोड़ती नहीं है भाई, उन्हें रख लेती है। तो हमने सोचा कि जो हम कल खाएंगे वो आज खिला देते हैं, खा लेते हैं, कल की पार्टी आज दे देते हैं। और भाई सारे निकल चुके हैं, भाई भाभी गए पार्किंग में, इधर मयंक मम्मी पीछे है देरी। चलो गाड़ी में चलते हैं पार्किंग, पापा कर रहे हैं वहाँ पे वेट। तो गाइस ये भी गाड़ी फुर्ती में लेके आ चुके हैं, आज आ गए हम खाने के लिए। यस, लग रही है बहुत तेज भूख। और भाई यहाँ भीड़ देखो, हमारा नंबर ऑलरेडी आ चुका है अंदर। पापा ने करवा दिया हमारा नंबर जल्दी से, है ना। तो गाइस आ गए सरवण भवन, जो कि देखो आज संडे को बहुत ज्यादा भीड़ है, आपको भी दिख रही होगी। अभी आ गए सबके डोसे और क्या करवाया, कोल्ड कॉफी और बाकी है। आज तो मैंग भी यहाँ पहली बार आया है, तो फटाफट से करते हैं यहाँ पे खत्म। लग रही बहुत तेज भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, लिटरली, है ना भाई। ये देख क्या कर दिया यार, खाने भी नहीं आते। अच्छा, हमने खा लिया, पेट भर गया सबका, सबका पेट भर गया ना भाई। तो वहाँ से मनाली से लिया था ना, मनाली क्या, वहाँ से मसूरी से चलते रही। सो गाइस ये छोटे छोटे बच्चे दशहरे की पर्ची काट रहे हैं और मैं नीचे से आती, मैंने उन्हें देखा, हेलो हेलो। तो जितने खुले पैसे थे मैंने दे दिए इनको, थैंक यू। तो दशहरे पे क्या पार्टी कर रहे हो? नहीं, दशहरे बनाओ, रावण बनाओगे है ना? चलो ठीक है, मुझे भी दिखाना। ये घर में आ गई है और के बच्चों के पर्ची कटवा के गई है दशहरे की, है? अरे वो मिल गए, उन्होंने मुझे खुश कर दिया, कहते हैं आपके व्लॉग देखते हैं, मगर व्लॉग मिल ले पर्ची काटो यार। अच्छा। तो अभी गाइस ये जा रही है अपने बर्थडे की शॉपिंग करने, ये जा रही है और भाभी जा रही है, दोनों के दोनों साथ जाएगी, मैं और मैं यहां पे मस्ती करेंगे। गाइस ये मेरे लिए सरप्राइज प्लान करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। भाई कुछ नहीं है सरप्राइज, अगर होता तो मैं पक्का तुम्हें थोड़ी सेंट दे देता, पर कुछ सरप्राइज है ही नहीं, कैसे करूं बता। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा फर्स्ट बर्थडे शादी के बाद, तो शायद इसमें उसको सरप्राइज तो होगा मेरे लिए। गाइस जरा मैं हेड वॉश करा लिया, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। सो गाइस कल नंदी और मैं आ गए यहाँ पे पार्किंग में, अब निकालें गाड़ी अपनी वो खड़ी और अब जाएंगे एसएन शॉपिंग के लिए, बर्थडे शॉपिंग के लिए। सो चलते हैं फटाफट। सुबह यहाँ पे पार्किंग में आ गए, अपनी गाड़ी जाएगी ऐसे ऊपर, जैसे ही चली गई अपनी गाड़ी भी चली जाएगी और हम यहाँ से चलेंगे एसएन। चले वो कार्ड से एंट्री करेंगे ना, कार्ड लेके कार्ड वापस लेना पड़ेगा हमें। क्या लेने वाले हो आप मेरे बर्थडे के लिए? पता क्या पहनोगे भैया, साइड में तो आ जाएंगे हम। तो भैया भी साथ दे रहे, कह रहे अब जाएगी, उनको पता लग गया, अच्छा इस साइड से जाएगी। मैंने दिमाग नहीं लगाया तो बंद है, ऊपर से उधर से जाएगी। मैं मनिया के साथ रह रहा है, कैसा आ गया ऊपर, इतना अजीब सा लग रहा है हमारी गाड़ी ऊपर चली गई। सो गाइस यहाँ पे आ गए हम शॉप पे और एक आधे टॉप मैं आपको दिखा देती हूँ कलेक्शन, ये देखो। पर इसमें से हम कुछ भी नहीं पहन सकते क्योंकि ऐसे हम कपड़े नहीं पहनते, हम जैसे पहनते हैं थोड़ा उस टाइप में कुछ देख रहे हैं, पर अभी पसंद नहीं आ रहा है। आपको क्या पसंद आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं आ रहा, देख ही रहे हैं। सो गाइस ड्रेस इसमें ले लिया, ड्रेस तो मैं कल ही दिखाऊंगी क्योंकि दो ड्रेस थी इसमें से एक हमने चूज वैसे ही कर ली, ठीक है। और ये हमें मैं इयररिंग्स ले ली, इयररिंग्स पे ले लिया, वो भी कल ही दिखाऊंगी। तो भाई हमारी शॉपिंग थोड़ी थोड़ी चल रही है, बट बीच में नितिन के लिए लेना जरूरी है क्योंकि नितिन मैं चाहती हूँ मेरे साथ, नितिन भी मिलने लगे। भैया के लिए भी ले रहे हो आप? नहीं क्यों, प्यार नहीं आपको? अच्छा है, तैयारी है बर्थडे की। तो भाई नितिन के लिए चूज करिए मैंने ये वाली, सारे अच्छे
अभी इसमें साइज आएगा, उसके बाद देखते हैं, नितिन को पसंद आ ही जाएगी वैसे तो। सो गाइस शॉपिंग सारी डन हो गई है और कल्पना ही जा रही है आगे आगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ पे KFC मैकडी कहीं पर चलती है, नॉनवेज तो हम खाते ही नहीं है, देखते हैं क्या खाएगी। कल्पना जी कहाँ चल रहे हैं हम? बंद है ना खाली? नहीं खुला हुआ है। तो अब क्या टाइम हो गया वैसे, टाइम बताना। 8:40 हो गया, घर जाएंगे इतने 9:30 तो हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया कुछ खा के चलते हैं क्योंकि घूमते घूमते बहुत देर हो गई। सुबह सिर्फ डोसा खाया था। अब अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं। चलो तो मैंने खा तो लिया पर मैं ब्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन है। ये लिया हमने कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। बट पन्नी के अंदर पन्नी है, पन्नी के अंदर पन्नी है। अपने लिए लेके आए, मेरे लिए लेके आए हो कुछ? क्या लेके आया मेरे लिए? कुछ बर्थडे है भाई किसी का। टाइम क्या हो गया मैं? 10:06। 10:06 2 घंटे रह गए बस किसी के। है भाई 10:02 2 घंटे रह गए तुम्हारे बस, सिर्फ 2 आवर्स लेफ्ट बेबी क्यूटी। हटो उसकर। ओए तेरा यही काम है मुंह में ले लेना और काटना फिर है? ये गद्दा खाने का होता है, इसको हटाओ ना। हटा रहा, हट जा बेटा, हट जा। तो गाइस थोड़ा बहुत सामान लेके आइए। एक तो इसकी चप्पलें हैं यहाँ पे, फटी भी है। हाँ, ले आई बस। नहीं आई बस, और क्या लेके आई है दिखा मैं? और मेरे लिए एक शर्ट लेके आई प्यारी सी। गाइस देखो पहले वो पार्ट्स दिखाती हूँ, क्यूट क्यूट इयररिंग्स, ये मेरा ये दिखा रही, और उसके बाद मैं लाई हूँ ये वाले, जो भी मेरी ड्रेस पे चलेंगे तो मैं वही वाले पहन लूंगी। ये तो मैं 3 लेके आई हूँ, ये तो सूट पे चलेगा ऑब्वियसली बात है, ये 2 ठीक है। इसके अलावा मैं अपने पति के लिए लाई हुई वाली एक, क्या बोलते हैं, अच्छी लग रही टी-शर्ट। टी-शर्ट क्योंकि हल्के बीच में ठंड आ रही है। और ये कॉलेज के लिए लाई हूँ मैं, नितिन के ऐसा पैटर्न था नहीं, अच्छी लग रही है। और ये शर्ट मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, जो कि मैं कल पहनूंगा। मेरे को तो बोलने दो, मैं अपने बर्थडे के लिए नितिन के लिए ये लाई हूँ, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, प्यारी सुंदर लग रही है ना बस। और ये अपनी ड्रेस लेके आई है जो कि ये दिखाएगी नहीं, जो कि मैं कल ही पहनूंगी। बुरा है पर बुरा कहाँ से बन गया, भला तो हूँ मैं। घटिया है, गुस्सेल है, जैसा भी है मेरा पति मेरा। क्या चाहिए अब, क्या चाहिए? शॉपिंग करके ले आई अपने लिए, और क्या चाहिए? दिख रहा है मेरा गिफ्ट कार? गिफ्ट है ही नहीं, गिफ्ट है ही नहीं, गिफ्ट कहाँ से दूँ? बहुत देर से गाइस डंडा कर रही है, गिफ्ट चाहिए गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट लाऊं कहाँ से जब मैंने लिए नहीं। गाइस मैंने सोचा कि मैं जैसी एसेंस से आऊंगी ना तो मुझे कहीं कुछ, क्योंकि इसमें दिमाग तो है नहीं कहाँ कुछ छुपाना है, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कोई कुछ है ही नहीं, अगर होगा तो सामने दिखेगा। तो यार तुमको ये वाला पैर दबा, बंद कर, तुमको शर्म नहीं आती? तो गाइस अभी सरप्राइज की चीज ये हो गई, एकदम से आ गई। हैप्पी बर्थडे, अभी अभी खुश हो गए। कितना टाइम रह गया भाई, टाइम क्या हो गया? अभी तो आधा घंटा पड़ा है। अभी साहिल भी आया हुआ है, मैं इनको उधर उधर गया। तो तुझे लगा डुड्डू आ गया? मुझे डुड्डू आ गया, मेरे को टेंशन क्या हुई, मैंने आ तो गया पर ये जाएगा कैसे? हाँ इसका मुंह सा बन गया, खुशी होने की वजह मुंह बन गया तो इसका इतना सा। देख बेचारे काम कराया जा रहा है, ये एक दिन पहले आया था ना, तो ये मेहमान काम करेगा, तो ये मैं एक दिन हुआ भी नहीं अभी, आज ही तो आया है। ओए हां तो 4-5 घंटे, 4-5 घंटे उससे पहले काम। तो भाई 12 बज गया इसका बर्थडे है। चलो भाई चलो, मंजीत कह रहा मैंने पहले ही बोल दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गिफ्ट ही गिफ्ट आ रहे भाई, खोलो से इतने सारे गिफ्ट, वो देना कैची उसमें रखी होगी जेब में। वो देखो फोन देख उसे फोन देखा इसका कौन है क्या ऑयल है। भाई सबने गिफ्ट दे दिए यार, हमारी मेरी है अब गिफ्ट देने की, तो हम भी छोटी सी चीज लेके आए इसके लिए, तलाक पेपर ना, इतने इतनी छोटी चीज नहीं लेके आए। ये देखो पसंद आए तो खोलो, आंख खोलो, रख दिया मैंने, आंख खोलो। 3, 2, 1 गाइस ये देखो मेरे भाई मेरे कानों की बाली है। गाइस मेरे कान खाली हो रखे थे क्योंकि मेरे पुराने इयररिंग्स का लॉक ढीले हो गया, तो नितिन ने मुझे दिए है इयररिंग। कैसे लगी?
बस यही गिफ्ट था। तुमने नोट कर लिया था मेरे कान खाली पड़े हैं। सब पता है, मैंने कहा कुछ था नहीं तो ये अच्छी चीज लगेगी इसके ऊपर, तो मैंने कहा दे दूं उसको मैं। और सबसे एंड में दिया ना तुमने, मैंने कहा सब में दे दिया, सब दे देते मैं बाद में दे दूंगा। सबसे मेन गिफ्ट एंड में आया है। तो गाइस ये मैंने आपको कहीं पे भी नहीं दिखाया, मैंने कुछ भी गिफ्ट आपको नहीं दिखाया, ना इयररिंग दिखाई ना ये दिखाया। अभी एकदम से वो सरप्राइज था, अभी ये भी सरप्राइज है इसके लिए। अभी से पन्नी नहीं उतर रही, सोच कह रही है पन्नी पाड़ दे बेशक से मुंह में दबा के। नाखून से कर दे। हां यही है शायद, अभी जलन हो रही है। हम तो पन्नी पता है कि तू हट जा पीछे से एक बार। हो गया, उसने बोला था हटा देना दो आज बनाई क्या, 3-4 बन गए थे। उसने बोला गोले का तेल लगा लेना बस। हां तेल लगा लेना। तुम्हारे नहीं था अब मेरे को भी दिखा दो। ठीक है उसको साफ कर दो। सब फैल कर दिया ना, इधर दर्द नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बस सुई घुसती है उतना ही दर्द होता है, बस और कुछ नहीं होता। नहीं लगाते गोले का तुम, मैं सरकारी आदमी हूँ तेरे मम्मी नाम खाऊ मैं सरकारी ना लगा ना। तेरी मम्मी तो आज से 35 साल पहले उंगली हुआ जरा पहले 35 साल वो ठीक है। ये कह रही सहेली पहले दर्द देखा है, महसूस नहीं किया दर्द देखा है। अच्छा पहले सहेली का दर्द देखा फिर उसके बाद अपना बढ़वाया। हाँ भाई खुश हो, मजा आ गया। और उसके पीछे क्या देख रहा है, एक बार मुझे कुछ लग रहा है कुछ है। तुम मत देख, मेरे कमरे में गिफ्ट था, मैं छुपा रखा है, जाओ ढूंढ रही थी अपने कमरे में कुछ है। मेरे को शायद ऐसा कुछ उठा उठा लग रहा है, कुछ देखना रखा है क्या वहाँ पे, पर्दा हटा के पीछे। पर्दा हटा दो। और भी कुछ रखा था क्या शायद, गिफ्ट छुपा रखे हैं भाई साहब। उठा नीचे नीचे गिर गया कुछ। ना बस यही है, मेरे को लग रहा टीवी हमारा बहुत बड़ा है, शायद उसके पीछे भी कुछ हो सकता है। और वहाँ पे किंग क्वीन है उनके, शायद कप के अंदर भी शायद मिल जाए तो अच्छी बात है। बस अब मैं और भूल गया मैंने कहा रखे थे, सच बताऊ तो छोटी सी चीज हो रहा है मेरे हिसाब से इसके अंदर। आ रही तो मैं भूल ही गया था, इसको छोड़ो। हाँ यहाँ पे भी रखा है एक, चल एक तो शायद अपने आप भूल लिया। और एक इधर आओ, उस पिंक है ना पिंक बैग, उसके अंदर छोटी सी चीज हो रहा है, वो भी निकाल लो। पहले इन सबको रख दो, ये तो मेरे हैं। इसमें भी कुछ रखा है थोड़ा अंदर इस चैन में। बस ये असली गिफ्ट है यार। ये आपके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके आया हूँ मैं, छोटे छोटे इन्हें तो साइड कर दिखा दो। कहाँ चल पड़े, वो तो छोटा छोटी चीज हो रहा है। ये वाले गिफ्ट भी दिए दिखाए, एक ही कर रहे हैं सरप्राइज, उसको दे रहा हूँ मैं, दे रहा है पहले बार बार एक ही भैया लेके आते उठा के चलो रुक गया है क्या ये बोला नहीं अभी अभी नहीं बोले छोटी छोटी चीजें हैं भी आज सारा दिखाया कल तो आज ही ना बर्थडे तो आज ही सब कुछ सारी चीज दे देते। अरे क्वालिटी देखो उसकी, जिसका बर्थडे है वो खोलेगा भाई, इसका बर्थडे वो खोलेगा, अब जो जो खोलेगा वो गिफ्ट उसका। अच्छा ले ले भाई जी, पसंद आई चीजें सारी, ये सब तो मेरे वैसे गिफ्ट, छोटी छोटी चीजें ले गया इसके लिए गाइस। में सबसे मेन मेरा गिफ्ट देखो ये, और इससे मेन मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ ये, ठीक है। और उसके बाद गाइस मेरे ये वाले गिफ्ट, जिनको पता है कि जगह जगह मैं कुछ रखूंगा तो ये खुश हो जाएगी, इसको मेरी चॉकलेट भी खा ली अभी तक अभी तक। और गाइस नितिन ने मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनवाया, तो अपने नाम का बनवाते ना, बर्थडे तुम्हारा है मेरा। मैं मीठा खा रही हूँ, तुम खा लो। वो आ गया साउंड, आ गया
ये भी तो था। ये क्या है? जगह नहीं मिले। ये नितिन शायरी लिखते रहा, तो अब मेरे नाम के पेन से शायरी लिखेगा नितिन। अब ये वैष्णवी नाम का पेन है, इससे अब शायरी लिख जाएगी। लिखोगे शायरी इससे? मिलियन, 20 मिलियन लाइन्स लाइन्स। और ये दिखाओ, और नितिन ने मुझे ये दिया है पेंडेंट, और ये वॉच खोल लियो निश्चल। और ये टेंटेन है, और ये मुझे वॉच दी है, और निश्चल की वॉच में जस्ट देख ही रही थी। ये क्या मुझे ब्रेसलेट ब्रेसलेट, और ये मेरा क्यूट सा टेडी बियर, क्योंकि ये मैं अपने बेड पे रखती हूँ ऐसी चीजें। तुम यहाँ पे हाथ मार लिया। मैं एक निशाना किया ऐसे ऐसे आपको, आप कह रहे थे मैं भूल गया, तो ये याद दिला रहा था। अब मैं पता है वो कपड़े उठाने वाली थी वहां से, मैं चल साहिल अगर बाई चांस आएंगे तो गंदा लगेगा, तो मैं चल छोड़ के आई गंदा लगेगा। ये आपस में ना यहाँ पे एक दूसरे की गिफ्ट की बेइज्जती मार रहे, वो कह रहा है ये कितना गंदा। मैंने बताया कितने बड़े वो है, ये एक दूसरे की गिफ्ट की बेइज्जती मार रहे, कह रहा तू इतने बड़े डीट है डीट। और इसकी तो यार फोटो खींचने खत्म नहीं हो रही है, टिंगल जला ली यहाँ पे ये पहले जाने का टाइम है, और नीचे तक हम विदाई करके आते हैं इसकी, फिर हम मेन जो पार्टी है वो है कल, कल मिलते हैं इनसे। तो गाइस वो चले गए, वो कल मिलेंगे, अब कल मिलेंगे, रो मत रो मत। बर्थडे तेरा। तो गाइस इसके गिफ्ट भी बहुत सारे आ गए, निश्चल निखिल मैंक और मैंक का भी गिफ्ट आया नहीं है, इस कारण बाकी है, इसका थोड़ा सा लेट हो गया आया नहीं है। और तुम्हारे भाई ने देखो एक टैटू दे दिया, और ऊपर से कानों के दे दिए इसके, सोने के भाई वो गाइस, ऐसे कोई स्टील पटील के नहीं, सोने के वो, और छोटे छोटे करे गिफ्ट दे दिए, आज के लिए काफ़ी है ना भाई, खुश हो ना तुम? बहुत है। ठीक है, तो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, अब आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, पार्टी कहाँ है क्या है सब दिखाएंगे कल। हाँ। मुझे बताया आप लोग मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोलोगे, जो इंस्टाग्राम पे मुझे अभी सब विश करने लग गए उन सबको थैंक यू, एक एक लड़के को, एक एक लड़की को, एक एक आंटी को, एक एक अंकल को, सबको थैंक यू जो मेरी स्टोरीज लगा रहे हैं, मैं सबकी लगाऊंगी, जिसकी नहीं लगा पाऊंगा उसको सॉरी, और सबको दिल से थैंक यू। तो ठीक है, तो भाई आज के लोग करते हैं पे खत्म, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, ओके बाय।